एवरीवन, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी चैनल। आज का सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत की क्लास फर्स्ट। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट कंप्लीट कराएंगे। इसमें हमारा आज का है जो टॉपिक, उसमें हम संस्कृत की वैशेषिक बताएंगे, महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार सब हम एक ही वीडियो में आपको समझाएंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। यदि आप एमपी शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से आप परचेस कर सकते हैं। यदि आप कूपन माय स्मार्ट 40 यूज़ करते हैं तो आपको 40% का ऑफ मिलेगा। ये सिर्फ शुरुआत के 100 यूजर्स के लिए ये ऑफ़र है, इसलिए प्लीज़ इसको भी आप परचेस कीजिए टेस्ट को। आज हम पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले जानते हैं जो संस्कृत और जो व्याकरण है ये क्या है। जो संस्कृत जो शब्द बना हुआ है यह क्र धातु में सम उपसर्ग लगाकर और कत प्रत्यय लगाकर संस्कृत शब्द बना हुआ है। जो संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। इसको वेदों की भाषा बोला जाता है, क्योंकि इसका ऋग्वेद से जन्म माना जाता है। इसको देवों की वाणी भी बोला जाता है, इसको इसलिए देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। यदि संस्कृत व्याकरण जो शब्द है इसको देखा जाए तो यह आंग और क्र, ये दो धातु हैं, आंग और क्र धातु में बी उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय लगाने से व्याकरण शब्द बना हुआ है। व्याकरण को शब्द शास्त्र और पद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। वेदों में बोला गया है कि संस्कृत व्याकरण वेदों की व्याकरण है, यानी वेदों में व्याकरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार बोला गया है मुखम व्याकरणम स्मरतम, यानी व्याकरण की जो तुलना की है मुख से की गई है, यानी देवों के मुख से व्याकरण की तुलना की गई है। यदि देखा जाए तो जो व्याकरण की परंपरा, अगर प्राचीन परंपरा देखी जाए तो दो परंपराएं मानी गई हैं। जो प्रथम परंपरा है उसको बृहस्पति परंपरा के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति परंपरा, एक क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत की सबसे प्राचीन और प्रथम परंपरा कौन सी है, तो बृहस्पति परंपरा है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका अगर अपर नाम देखा जाए तो कातंत्र बोला जाता है बृहस्पति परंपरा को। इस परंपरा के हिसाब से बताया गया है कि सबसे पहले संस्कृत की रचना ब्रह्मा जी ने की थी और इन्होंने बृहस्पति को संस्कृत के बारे में बताया। सबसे पहले यदि ज्ञान जो दिया संस्कृत का वो बृहस्पति ने इंद्र को दिया, फिर इंद्र ने यम, रुद्र, वायु और वरुण को बताया। तो क्वेश्चन बनते हैं कि बृहस्पति परंपरा के अंतर्गत संस्कृत में प्रथम प्रवक्ता कौन है, तो बृहस्पति को बोला गया है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इंद्र को व्याकरण का ज्ञान दिया था। तो प्रथम व्याकरण कौन है, इंद्र। महेश्वरी परंपरा देखते हैं इसमें क्या बताया गया। दूसरी जो संस्कृत की परंपरा है वो महेश्वरी परंपरा है। आज की जो संस्कृत है इसी में महेश्वरी परंपरा के अंतर्गत ही जानते हैं हम व्याकरण को। इसका अपर नाम है पाणिनि परंपरा। ऐसा माना जाता है कि महेश्वरी परंपरा में भगवान शिव ने, यानी महेश्वर किसको बोला जाता है, भगवान शिव, इन्होंने 14 सूत्र दिए थे। इन्हीं सूत्रों के द्वारा ही पाणिनि ने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था। तो महेश्वर परंपरा में प्रथम व्याकरण कर्ता कौन है, महेश्वर, और महेश्वर से सूत्रों के द्वारा ही पाणिनि ने ज्ञान प्राप्त किया था। यदि संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम देखा जाए कि संस्कृत भाषा का विकास किस तरह हुआ, तो सबसे पहले इसे संस्कृत भाषा को वैदिक संस्कृत या पाक संस्कृत या छांदस के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म वेदों से हुआ, इसलिए इसको वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत या पाक संस्कृत या छांदस से ही पाली भाषा और प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। इसके बाद इनमें, इस भाषा में कुछ चेंजेस आए, इससे अपभ्रंश बना और फिर अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी वगैरह और भाषाओं का जन्म हुआ। तो सबसे प्राचीन भाषा अगर देखी जाए ऐतिहासिक भाषा विकास क्रम के अनुसार तो किसको बोला गया, संस्कृत को। संस्कृत से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। महेश्वरी परंपरा के कुछ प्रमुख त्रिमुनि होते हैं,
इनको जानना भी बहुत जरूरी है। कौन कौन से प्रमुख त्रिमुनि हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। जो पाणिनि परंपरा के प्रथम मुनि हैं, महेश्वरी परंपरा के जो पाणिनि प्रथम मुनि हैं, इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 500 ईसा पूर्व है। ये बताया गया है कि इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है शब्दानुशासन की रचना किसने की है, तो पाणिनि। या अष्टाध्यायी पूछ लें या शब्दानुशासन, जो अष्टाध्यायी है इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्ट अष्ट यानी 8, 8 अध्याय यानी अष्टाध्यायी में है। और प्रत्येक अध्याय में अगर पद देखे जाएं तो कितने पदों में ये बटा हुआ है? 4-4, यानी प्रत्येक अध्याय में कितने पद हैं? 4। तो कुल मिला के अष्टाध्याय में कितने पद हैं? 32। कितने? 32 पद हैं। ये पूछा जाता है अष्टाध्याय में कुल कितने पद हैं? 32। कुल कितने अध्याय हैं? 8। किसने रचना की है अष्टाध्याय की? पाणिनि ने। और टाइम पीरियड कितना है? 500 ईसा पूर्व। यानी प्रत्येक लाइन में इधर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। आगे पूछा जाता है कि अष्टाध्याय में कुल सूत्र कितने हैं? तो लगभग सूत्र अगर देखा जाए तो 4000, और नहीं तो अगर संख्या देखी जाए तो 3978 मानी गई है, और लगभग 4000 हम मान लेते हैं। इसका जो प्रथम सूत्र है वो कौन सा है? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धि रादेच। ये पूछ लिया जाता है इसलिए इसको भी याद रखना। और अंतिम सूत्र कौन सा है अष्टाध्यायी का? आ और आ। अब महेश्वरी परंपरा के जो दूसरे मुनि हैं वो हैं कात्यायन। कौन से हैं? कात्यायन। इनको बररुचि के नाम से जाना जाता है, या बररुचि आ जाए या कात्यायन, तो एक ही है, ठीक है। इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 350 ईसा पूर्व है। कितना है? 350 ईसा पूर्व। कात्यायन ने वार्तिक की रचना की, इसलिए इनको वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। वार्तिककार कौन है? कात्यायन या वररुचि। कुल कितने वार्तिककार हैं? 836 वार्तिक हैं। वार्तिक क्या होती हैं? वार्तिक में जो अष्टाध्यायी है उसको सरल भाषा में जो प्रस्तुत किया है वो वररुचि ने प्रस्तुत किया है, ठीक है, अपने वार्तिक में। और ये वार्तिक जो मिलते हैं कहाँ पर प्रचलित हैं? सिद्धांत कौमुदी एक बुक है उसमें इनके वार्तिक प्रचलित हैं। तो याद रखना कि सिद्धांत वो वार्तिक की रचना किसने की? वररुचि या कात्यायन ने की। कितने वार्तिक हैं? 836 वार्तिक हैं। दूसरे जो मुनि हैं महेश्वरी परंपरा के वो है पतंजलि। इनका यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो इसका 200 ईसा पूर्व है। और पतंजलि ने किसकी रचना की है? महाभाष्य की रचना की है। ये जरूर याद रखना कि रचनाकार कौन है और इन्होंने क्या रचा है। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। कुल कितने महाभाष्य किस में बटा हुआ है? आहनिक में बटा हुआ है। कुल कितने आहनिक हैं? 84 आहनिक हैं। फिर अष्टाध्याय में जो लिखा है उसको और सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए फिर टीका लिखे गए। जिसने टीका लिखे उनको टीकाकार के नाम से बोला गया। हम देख लेते हैं कौन कौन सी टीका है। प्रदीप टीका, इसकी रचना किसने की? कैयर ने की है। दूसरा टीका है उद्धोत टीका, इसकी रचना नागेश भट्ट ने की है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि नागेश भट्ट ने कौन सा टीका लिखा है? तो उद्धोत टीका। तीसरे जो टीकाकार हैं उनको भट्टोजी दीक्षित बोला गया। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। कौन सा टीका लिखा? सिद्धांत कौमुदी। इंपोर्टेंट है सिद्धांत कौमुदी। इनको वृत्तिकार के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो शिष्य थे वो वरदाराचार्य थे। इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की थी? वरदाचार्य ने की थी। तो यहाँ पर हमने सारे टीकाकार पढ़ लिए, इनको बहुत जरूरी है याद रखना। आगे हम देखते हैं महेश्वर सूत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत व्याकरण को जानने से पहले महेश्वर सूत्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। महेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है, या वर्ण समान्याय सूत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये तीनों याद रखना, महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र या वर्ण समान्याय सूत्र। इनका नाम महेश्वर सूत्र इसलिए पड़ा क्योंकि शिव जी ने इनको दिया था, इसलिए इनको शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जो पाणिनि जो मुनि थे, इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने क्या किया, नृत्य किया। और उनके नृत्य करते करते उन्होंने क्या बजाया, डमरू बजाया। और उस डमरू से नव पंचवारम यानी कितने 14 सूत्र निकले और उन्हीं से महेश्वर सूत्र का विकास हुआ। तो एक श्लोक में भी बताया है कि नृत्ता वशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धुत कामा शनकाद सिद्धान एतद दुमर्षे शिव सूत्र जालम। यानी भगवान शिव ने, नटराज यानी कौन, भगवान शिव नृत्य वशान यानी डांस करते हुए, नृत्य करते हुए, ननाद यानी ननाद ढक्कम, ढक्कम यानी डमरू, ननाद यानी उससे आवाज़ निकली। और कितनी बार बजाया उन्होंने डमरू को, नव पंचवारम, 9 और 5, तो कितने हुए, 14। और उसी से किसका जन्म हुआ, शिव सूत्र। तो कुल कितने सूत्र हैं, 14, क्योंकि उन्होंने नव पंचवारम यानी 9 बार और 5 बार डमरू को बजाया और उससे ही वो पाणिनि ने शिव सूत्र का निर्माण किया। महेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं, कुल 14 महेश्वर सूत्र माने जाते हैं। इनकी संख्या याद रखना। और कौन कौन से हैं सूत्र, अब हम उनको जान लेते हैं। कुल 14 महेश्वर सूत्र हैं। जो प्रथम सूत्र है उसको बोलते हैं अयुण। या शुरू में तो थोड़ा ये टफ लगेगा, लेकिन एक दो बार यदि हम पढ़ेंगे तो हमको आसानी से याद हो जाएंगे। अयुण प्रथम सूत्र कौन सा, अयुण। दूसरा है रील क, थर्ड है अयोंग, फोर्थ है अयोच, फिफ्थ जो सूत्र है महेश्वर वो है वरट। कौन सा है, है वरट। फिर है लण, लण। फिर यम गण नम, झवय घड़ धस, जब गण दश। इलेवेंथ है महेश्वर सूत्र, खफ छटत चट तव। ट्वेल्थ है कपय, 13 है स श स र, 14 है हल। इस तरह कुल कितने सूत्र हैं, 14 सूत्र। महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। और इनको हम एक दो बार पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद हो सकते हैं। और नहीं, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि शुरू के जो 4 सूत्र हैं, शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो स्वर हैं, और 5 से लेकर 14 तक जो सूत्र हैं वो क्या है, व्यंजन, जिनको क्या बोला गया, हल बोला गया है। स्वर को अच बोला गया है। और 5वीं से लेकर 14वीं तक के जो सूत्र हैं उनको क्या बोला गया है, हल बोला गया है, और स्वर को अच बोला गया है। महेश्वर सूत्र में पूछा जाता है कुल कितने महेश्वर सूत्र हैं और अच किसे बोला गया है, तो 1 से लेकर 4 तक के जो सूत्र हैं महेश्वर सूत्र, उनमें अच को रखा गया है। 5वां और 6वां जो सूत्र है उसमें अंतस्थ व्यंजनों को रखा गया है। और 7वां जो सूत्र है उसमें वर्ग के पंचम वर्ण को रखा गया है। वर्ग जानते हो ना, जैसे वो हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ग हैं, का च ट तप, उसमें जो 5वां वर्ण है वो रखा गया है 7 सूत्र में, यम गणनम। और 8वां और जो 9वां है उसमें वर्ग का 4था वर्ण रखा गया है, इसलिए मैंने इधर 4 डाल दिया। और वर्ग जो महेश्वर सूत्र का जो 10वां सूत्र है उसमें वर्ग का 3रीय वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का 3रीय वर्ण को रखा गया है। ऐसे याद रखना तो आसानी से याद हो जाएगा। 8वीं 9वीं में प्रत्येक वर्ग के कौन से अक्षर को रखा गया है, 4थे को रखा गया है। और 10वीं में किसको रखा गया, प्रत्येक वर्ग के 3रीय वर्ण को रखा गया है। और 11वीं में रखा गया है प्रत्येक वर्ग के 2रे अक्षर को रखा गया है। 11वीं और 12वीं में प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर को रखा गया है। और 13 और 14 में किसको रखा गया है, ऊष्म व्यंजन को रखा गया है। इस तरह हम एक दो बार यदि ऐसे याद रखते हैं तो महेश्वर सूत्र हमको आसानी से याद हो जाएंगे। यदि आपको महेश्वर सूत्र याद हो गए तो 2-3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि महेश्वर सूत्र से ही क्या बने हुए, प्रत्याहार बने हुए हैं। प्रत्याहार किसे बोलते हैं, यानी संक्षिप्त रूप, यानी लघु छोटा रूप। आदि रंतेन सहिता आदि अंतेन सहित, यानी आदि यानी शुरू में जो वर्ण है उसके अंत में, उसके साथ में अंत में क्या है, इत संज्ञा वर्ण आए, तो उससे क्या बनते, प्रत्याहार बनते हैं।
जैसे अब पहले हम महेश्वर सूत्र को जान लेते हैं कि महेश्वर सूत्र में जो जो लास्ट के जो वर्ण है इसमें देखा है आपने हलंत लगा हुआ है। महेश्वर सूत्र में क्या लगा है, लास्ट के जितने भी वर्ण हैं अक्षर हैं ये क्या है, इत संज्ञा वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है। जब भी हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो आदि यानी शुरू में कोई सा अक्षर होगा और लास्ट में क्या जुड़ा होगा उसके, इत संज्ञक वर्ण जो हलंत वाले हैं। और जब महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण करते हैं और तो इत संज्ञक जो वर्ण है उसको जब हम अक्षर लिखेंगे उसको हम छोड़ते जाएंगे। जैसे यदि हमको दिया अक, महेश्वर सूत्र से हमने बनाया अक प्रत्याहार है, यदि इसमें पूछा क्वेश्चन कि अक प्रत्याहार में कितने वर्णों को रखा गया है तो हमको यदि महेश्वर सूत्र होंगे याद तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने वर्ण को या रखा गया है। तो आ ई ऊ री ल ये वर्ण को रखा गया है किसके अंतर्गत, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण को रखा गया है, पांच, आ ई ऊ री ल। और इसमें हमने जो गोला लगाया है ना जो हलंत वाले हैं उनको हम छोड़ेंगे, उनको हम अक्षर में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। तो प्रत्याहार निर्माण करते समय में ये याद रखना है कि जो इत संज्ञक वर्ण हैं उनको हमें लेना है, लेकिन जब हम अक्षर लिखेंगे तब इत संज्ञक वर्ण को छोड़ते जाना है। यदि हमसे पूछा कि अच जो प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो हमें पता है अच क्या है, स्वर है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण को रखा गया है, आ ई ऊ री ली ए ओ ऐ ओ, जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं जैसे जो हलंत वाले इनको अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ ई ऊ री ली ए ओ ए ऐ औ। तो प्रत्याहार का मतलब ही है संक्षिप्त रूप में लिखना। यदि आपसे पूछ लिया कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो हमें पता है हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, सारे व्यंजन आते हैं। तो ह से लेकर ला तक के जितने भी वर्ण आएंगे वो हल प्रत्याहार में रखेंगे। और जब हम वर्ण लिखेंगे तो सिर्फ इसको छोड़ना है, इत संज्ञक जो हलंत वाले जो वर्ण हैं उनको छोड़ते जाना है। इस तरह प्रत्याहार का निर्माण होता है और ये प्रत्याहार एक तरह के छोटे सूत्र होते हैं जो आगे हम और व्याकरण पढ़ेंगे उसमें यूज़ होगा इनका, प्रत्याहार का जैसे संधि वगैरह में, तो आपको और समझ में आ जाएगा। कुल कितने प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार हैं। ये भी पूछा जाता है प्रत्याहार की संख्या कितनी है, 42। महेश्वर सूत्र से क्या बने हुए, प्रत्याहार बने हुए हैं। जैसे अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जितने भी स्वर हैं वो आ जाएंगे, व्यंजन आ जाएंगे। हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, सारे व्यंजन आ जाएंगे। और सल प्रत्याहार में स स स ह और ऊष्म आते हैं। यण में क्या आ जाएंगे, ह व र ल, हलंत वाले छोड़ते जाएंगे, ठीक है, और अंतस्थ रखे गए यण प्रत्याहार में। तो यहाँ पर हमारे महेश्वर सूत्र प्रत्याहार और संस्कृत का परिचय पूरा होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।